हेलो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज फिनिश किया है। प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी पार्ट वन फॉर नाइन्थ स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी पार्ट टू फॉर टेंथ स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी पार्ट थ्री ए बी सी डी फॉर एलेवेंथ स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट फोर फॉर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ए बी सी डी ई एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट फाइव फॉर ओल्ड क्वेश्चन, यानी पुराने क्वेश्चन हमने लिए थे किस क्लास के लिए, तो कह रहा है एसएससी रेलवे बैंकिंग के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन थे उसको हमने कराया था। इसके बाद हमारा था प्रोबेबिलिटी पार्ट फाइव बी, जिसके अंदर हमने एनडीए के आए हुए क्वेश्चन लिए थे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था नेवी एयरफोर्स एसएसआर और एनडीए के। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू सीरीज ट्रिगोनोमेट्री सीरीज। आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री सीरीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ, अभी हम उसी टॉपिक को ले रहे हैं जिसमें लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका फायदा हो सके। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका वो एसएससी के अंदर भी आएगा, रेलवे बैंकिंग और अदर जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी आएंगे। इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री होगी उसका लेवल ज्यादातर अप टू टेंथ लेवल होता है, थोड़े बहुत इलेवेंथ से आ सकते हैं। और इसके बाद हम कराएंगे आपको नेक्स्ट लेवल जो हमारा होगा एनडीए नेवी एसएसआर एक्स ग्रुप, इसमें आएंगे 11 12th के। तो हमने स्टार्ट किया है ट्रिगोनोमेट्री पार्ट वन, जिसके अंदर हम ले रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एसएससी रेलवे एनडीए एयरफोर्स नेवी एसएसआर और एग्जाम्स के। इसमें हमने लिया है क्लास 10th स्टैंडर्ड की, यानी ये हमारा है ट्रिगोनोमेट्री पार्ट वन फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड, यानी बिल्कुल बेसिक पॉइंट लिया है। चलो देखते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से इसको हम समझाएंगे, बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज रेशियोज क्या है। तो आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर सपोज कीजिए कि आपने, जैसे हमने यहाँ पर देखा एक राइट ट्रायंगल ले लिया, एक राइट ट्रायंगल एबीसी है। इस राइट ट्रायंगल के अंदर अगर बी आपका 90 डिग्री है, अगर बी 90 डिग्री है तो एंगल ए के लिए अगर आप देखेंगे तो बेस क्या होगा, ए बी बेस होगा, बी सी इसका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये ए सी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और अगर हम एंगल सी की बात करें तो एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के लिए बी सी बेस होगा, ए बी परपेंडिकुलर होगा और ए सी हाइपोटेनस होगा। हमने यहाँ एंगल सी कंसीडर किया, बेस का मतलब है आधार, बी सी बेस मतलब आधार है, ए बी परपेंडिकुलर मतलब लंब है और ए सी हाइपोटेनियस मतलब एच है। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम इसमें ए बी हमने यहाँ पे लिख दिया, ए बी परपेंडिकुलर लंब यानी पी बोलेंगे, बी सी आधार बेस इसको बी बोलेंगे, एसी हाइपोटेनियस कर्न इसको एच बोलेंगे। अब आपको जानना है कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस। जो इसके बाद हम एंगल लेते हैं, जैसे हमने लिया है साइन सी, यानी कि हमने इस एंगल की बात करें, अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, 30 है तो साइन 30 हो जाएगा, 45 है तो साइन 45 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको ले रहे हैं सी माना है, तो हमने लिया साइन सी। साइन सी क्या होता है, पी बाई ए। अब सी के लिए पी क्या है आपका, ए बी है और ये एच, तो हमने सिंपली दिया लंब बटे कर्ण यानी पी बाई एच। कॉस सी हमारा क्या है, बी बाई एच, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी आधार बटे कर्ण। टेन सी ये होता है पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है लंब बटे आधार। इसको याद करने के कई तरीके, कई बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल, या कोई ऐसे याद कर लेता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। और सिंपली आप रटना चाहते हो पी बाई एच बी बाई पी बाई बी तो याद कर सकते हो। ये तीन अगर आपको याद हो जाता है तो तीन जो है वो बिल्कुल इजी है। टेन का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल होता है कॉट सी, कॉट सी को आप बोल सकते हैं बी बाई पी। इसी तरह से कॉस सी का अपोजिट होता है सेक सी, इसको हम बोल सकते हैं एच बाई पी। और ये साइन सी है, इसका अपोजिट होता है कॉस एक्स सी, इसको बोल सकते हैं एच बाई बी। तो ये था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब आप देखो किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें होती है, एच पी बी। तो एच यानी हाइपोटेनियस इक्वल टू का स्क्वायर होता है पी का स्क्वायर बी का। एच निकालना है आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट, बी निकालना है एच का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट, पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। इसी के बेस्ट पर बहुत तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिया, ध्यान दो। जैसे हमने लिया है टेन ए बराबर है 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। कभी कभी अदर का मतलब है कि टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। एक आपको टेन ए दे दिया तो कितने बच गए,
पांच बज गए, यानी आपको पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज चाहिए। या कभी कभी सिंपली आपसे पूछेगा टेन ए दे दिया है, आपसे पूछेगा कॉस ए बताओ, टेन ए बताओ, साइन ए बताओ, कॉट ए बताओ, अदर जो फाइव बज गए कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो कोई एक ही पूछेगा, लेकिन टेंथ क्लास में आपसे सारा भी पूछ सकता है। तो आप देखो बनाने का इजी तरीके, कई तरीके हैं, लेकिन हमने इजी तरीका यहाँ पे बता रहे हैं आपको। टेन ए हमारा 4/3, टेन ए होता है पी बाई बी, तो पी हो गया आपका 4k, बी हो गया 3, पी भी मालूम है, आप एच निकाल लो, पी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर का रूट होता है 4k का स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर, दैट इज 5k। अब आपको चाहिए साइन ए पी बाई एच, तो पी की वैल्यू 4k है, एच आपने 5k निकाला, के से के कैंसिल, 4/5 आ जाएगा। कॉस ए आपका होता है बी बाई एच, बी की वैल्यू 3k है और एच आपका 5k, के से के कैंसिल, 3/5। टेन ए आपका होता है पी बाई बी, पी की वैल्यू है 4k, बी आपका 3k, ये आ जाएगा 4/3। इसी तरह से आगे देखोगे, अब जो छह हमारे पास थे डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है एच बाई पी, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4। सेक ए होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल एच बाई पी, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/3। कॉट ए होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, यानी बी बाई पी, आप लिख सकते हैं 3/4। इसी तरह का इजी क्वेश्चन है, कोई भी चीज आपसे पूछा जाएगा, आप उसमें देखो दिया क्या है, जो दिया है पी बी एच में से जो मालूम है, उसके बाद जो अननोन है वो आप निकाल लो, निकालने के बाद आप फॉर्मूला लगाइए। चलो देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा स्टैंडर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि जितने भी आपने छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आप देखोगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है, यानी कि साइन ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/ में कॉस ए के, क्रॉस करोगे तो साइन ए इंटू कॉस ए के 1 आ गया, यानी साइन ए है और इसका रेसिप्रोकल कॉस ए के होता है, दोनों को प्रोडक्ट 1 के बराबर। इसी तरह से कॉस ए होता है 1/सेके, कॉस ए इंटू सेके क्या आ जाएगा 1। टेन ए होता है आपका 1/कॉट ए, टेन ए इंटू कॉट ए 1 हो जाएगा। साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन ए स्क्वायर होगा 1 - कॉस ए स्क्वायर ए, कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा 1 - साइन ए स्क्वायर ए। तो टेंथ लेवल पे जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, दूसरा काफी अच्छा एग्जांपल है, कई बच्चे इसमें काफी डिफिकल्टी महसूस करते हैं। क्या कह रहा है, इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट याद रखना है कि अगर साइन बी साइन क्यू के बराबर है तो एंगल बी क्या होगा, क्यू के बराबर होगा। अगर एंगल बी क्यू के बराबर है तो साइन बी और साइन क्यू इक्वल होगा, लेकिन टेंथ क्लास में इसको प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव में तो इसी क्वेश्चन में से जवाब है, आपसे पूछेगा साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन तो आपका जवाब होगा बी इक्वल टू क्यू। ये आपको अगर दे दे एंगल बी इक्वल टू क्यू, देन साइन बी इक्वल टू साइन क्यू इज ट्रू और फॉल्स, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगर बी क्यू के बराबर है तो साइन बी क्या होगा, साइन क्यू के इक्वल होगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं टेंथ स्टैंडर्ड के लिए। क्या कह रहा है, लेट अस कंसीडर द टू राइट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। हमने दो राइट ट्रायंगल बनाए ए बी सी और पी क्यू आर, जिसमें एंगल सी राइट ट्रायंगल है, इसमें एंगल आर राइट ट्रायंगल है। अब आपको कह रहा है कि साइन बी दे रखा है साइन क्यू के बराबर, तो साइन बी का फॉर्मूला बी ये है, तो साइन बी क्या होता है पी बाई पी हो जाएगा, ए सी एच हो जाएगा ए बी, लिख दिया ए सी बाई ए बी। इसी तरह से साइन क्यू यहाँ आ जाओ, साइन होता है पी बाई एच, तो आपका पी हो जाएगा पी आर और एच हो जाएगा पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू, दोनों को इक्वल कर दिया आपने, ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, तो हमने के मान लिया, तो ए सी हो जाएगा के पी आर और ए बी हो जाएगा आपका के पी क्यू। अब आप देखोगे इसमें हमें रिलेशन निकालना है बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी क्योंकि ए बी का रिलेशन, ए सी पी आर का रिलेशन आ गया आपके पास, ए बी और पी क्यू का आ गया, बी सी क्यू आर का नहीं है, तो बी सी बाई क्यू आर निकालो। बी सी लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ए बी को आप लिख सकते हैं के पी क्यू, तो के का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, ए सी को लिख सकते हैं के पी आर, के का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, नीचे हमने एडिट छोड़ दिया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन आएगा, के बाहर आ जाएगा, रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, नीचे पी क्यू का स्क्वायर, ये कैंसिल होकर क्या आ गया के। तो आपने देखा कि तीनों रेशियो के आ गया, एक तो आपने पहले से ही मान रखा है ये आपका ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू के है, और अभी प्रूफ किया क्या आपने कि बी सी बाई क्यू आर भी के, ये तीनों का तीनों रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो तीनों का रेशियो अगर आप इक्वल करेंगे ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, तो ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के,
सिमिलरिटी थ्योरम आपको आगे और डिटेल में बताएंगे, अभी आपको इतना ही ज्योमेट्री का सीरीज होगा उसमें कराएंगे, अभी आपको इतना ही जानना है कि टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एबीसी अगर सिमिलर पीक्यूआर के है तो इसका एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। यहाँ हमें जरूरत थी बी क्यू की, तो एंगल बी इक्वल टू क्यू प्रूफ हो गया। चलो थर्ड एग्जाम्पल चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी 29 है बी सी 21 है और ए बी एंगल ए बी सी इक्वल टू आपको दे रखा है थीटा, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि हमने पहले बता चुके हैं फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा साइन का वन होता है, आप डायरेक्ट वैल्यू वन पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ अगर टेंथ की बात करें तो हमें ये प्रूफ करना, तो हमें ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि दिया क्या है, आपके राइट ट्रायंगल दिया गया है, राइट ट्रायंगल के अंदर ए बी दे रखा है आपको 29 और बी सी दे रखा है 21, यानी ए सी मालूम नहीं है। पहला काम क्या है आपका, ए सी फाइंड करो। ए सी क्या होगा, रूट ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 841 माइनस 441, यह आ जाएगा 400, यानी 20 निकल गया आपका। अब आपके पास तीनों वैल्यू पता है, ए सी मालूम है, बी सी मालूम है और ए बी मालूम, यानी कि पी पी एच तीनों फाइंड हो गया आपको। अब आप चेक कीजिए, पहला पॉइंट आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस होता है बी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी बाई एच का होल स्क्वायर यह आ जाएगा 21 बाई 29 का स्क्वायर, 20 बाई 29 का स्क्वायर, तो आप देखोगे यह आ जाएगा 441 बाई 841, 400 बाई 841, ऐड करोगे 841 बाई 841 कट के आ गया 1, आपका राइट आंसर आ गया 1। वैसे आप जानते हैं फॉर्मूला, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, बिल्कुल प्रूफ हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 21 बाई 29 का स्क्वायर माइनस 20 बाई 29 का स्क्वायर, किया जाएगा 441 बाई 841 माइनस 400 बाई 841, तो लेस करके क्या आ गया 41 बाई 841, बिल्कुल राइट आंसर है, कोई गलती नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो, क्या कह रहा है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेन ए इक्वल टू वन देन वेरीफाई दैट टू साइन ए कॉस ए वन। टेंथ में वेरीफाई पूछेगा, लेकिन आपके एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी वेरिफिकेशन नहीं पूछता, ऑप्शन दिया रहेगा आपको, तो आपसे ये पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ टू साइन ए कॉस ए क्या होता है, तो जवाब क्या जाएगा वन। कैसे निकलेगा चेक करते हैं, तो देखो टेन ए आपका यहाँ ट्रायंगल बनाया आपने एबीसी, बी पे 90 दे रखा है, अगर बी पे 90 है और बात कर रहा है टेन ए की, टेन ए अगर आप लेते हैं तो बेस क्या हो जाएगा ए बी और पी हो जाएगा आपका बी सी, तो ये पी हो गया आपका बी सी, हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। इससे हमें पता चला टेन ए होता है 1/1 दे रखा है, तो पी बाई बी पी वन हो गया बी वन, तो रेशियो लेंगे तो पी हो गया के बी हो गया के, एच निकाल लो, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर टू के का स्क्वायर के रूट टू आ जाएगा। अब आप एल एच एस ले लो, टू साइन ए कॉस ए, अब आप देखोगे टू साइन ए कॉस ए है तो साइन ए की वैल्यू क्या है पी बाई एच और कॉस ए की वैल्यू है बी बाई, तो टू इन टू में पी की वैल्यू आप निकाल चुके हो के अपॉन के बाई रूट टू आ गया, इन टू में बी की जगह के, ये के रूट टू आ गया, के और के आ जाएगा कैंसिल आउट हो गया सारा, टू अपॉन में क्या आ जाएगा रूट टू का रूट टू 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 दो होता है, टू बाई टू वन आपका आंसर आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बिल्कुल करेक्ट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। इसमें कह रहा है आपसे इन अ ट्रायंगल ओपी की राइट एंगल एट पी, इन ए ट्रायंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी, ओपी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो आपने फिगर बना लिया, ओपी क्यू ट्रायंगल है, ओपी 7 दे रखा है आपको और पी पे आपको राइट एंगल दे रखा है। अब आप देखिए ओ पी 7 है और ये दे रखा ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 साइन क्यू कॉस क्यू आपसे पूछा गया है। चलो देख चेक करते हैं बनाने का तरीका। सबसे पहला तो है कि आपको ओ क्यू नहीं मालूम है, ओ क्यू फाइंड करना, ओ क्यू का स्क्वायर होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू आप यहाँ से निकाल लो, ये दे रखा ओ क्यू माइनस पी क्यू 1, ओ क्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू पुट कर दो, होल स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर पी क्यू का, ये आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 2 पी क्यू बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 41, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1 इक्वल टू 40, तो पी क्यू क्या आ जाएगा 24, ये हमारा आ गया 24। अब आप देखो ओ क्यू बराबर होता है 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस में आ जाएगा 24 यानी आ गया 25, ये हमारा है साइन क्यू, साइन क्यू होता है पी बाई एच, तो ओ पी बाई ओ क्यू ये आ जाएगा 7/5
25, तो 7/25 आ गया, तो ये आ जाएगा B/S, तो ये आ जाएगा PQ/O2, तो ये आ जाएगा 24/25, आपका आंसर बिल्कुल राइट। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.1, 10th क्लास एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, काफी बच्चे इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी महसूस करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बता रहे हैं, ध्यान। क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यानी शो करना है आपको कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया और ए और बी एक्यूट है, इसका मतलब सी राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है और ये दोनों एक्यूट एंगल है। कॉस ए दे रखा है आपको कॉस बी के बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो बी हो जाएगा ए सी ए अपॉन ए बी, कॉस बी होता है बी बाई एच, तो बी हो जाएगा बी सी और एच हो जाएगा ए बी, ए बी कैंसिल आउट, ए सी इक्वल टू बी सी। आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड अगर इक्वल हो तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं, तो ये हमें प्रूफ करना था, एंगल ए इक्वल टू बी प्रूफ हो गया बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर है 9, 9 क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे इन राइट इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेन ए इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन, वेरी इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान तरीके से इसको समझाते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहला तरीका टेन ए दे रखा 1/√3, टेन होता है पी बाई बी, पी आपका हो जाएगा 1 यानी 1 के यानी के और बी हो जाएगा √3 के, आप इससे एच निकालो, एच क्या होगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर √k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर, तो ये k का स्क्वायर आएगा 3k का स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर आएगा तो इसका रूट क्या आ जाएगा 2k। अब आप पहला क्वेश्चन उठाइए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन, तो साइन ए आपका आ जाएगा बी सी बाई ए सी, ये आ जाएगा कॉस सी बी सी बाई ए सी प्लस ए बी बाई ए सी इंटू ए बी बाई ए सी, ये क्या आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। तो एलसीएम क्या आ रहा है ए सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये होता है ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, कट किया गया 1, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो कॉस ए कॉस सी माइनस है साइन ए साइन, कॉस ए क्या होता है बी बाई एच, तो आप देखोगे बी बाई एच में फॉर्मेट यूज करेंगे ए बी बाई ए सी इंटू बी सी बाई ए सी माइनस में साइन ए आ गया बी सी बाई ए सी इंटू ए बी बाई ए सी, तो ए बी क्या दे रखा है √3k और ये दे रखा है 2k, इंटू में बी सी क्या है k, ए सी आ गया 2k, माइनस में बी सी क्या है k, ये आ गया 2k, ये √3k अपॉन 2k, तो ये क्या आ जाएगा √3k का स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस √3k स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपका 0 आ गया, आंसर बिल्कुल राइट है, 0 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बच्चे इसमें काफी डिफिकल्टी महसूस करते हैं। 8.1 का 10th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 एंड पी क्यू दे रखा है 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन। अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है तो आपसे कोई 1 पूछ देगा, बोलेगा साइन पी की वैल्यू बताओ कॉस पी की बताओ या टेन पी की बताओ। एनडीए में अगर इस तरह का क्वेश्चन, वैसे रेयर चांस एनडीए में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसमें कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। तो जैसे आपने देखा पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर है 25 सेंटीमीटर, तो आप देखो x प्लस वाई 25, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ गया y का स्क्वायर, तो x प्लस x का स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां से 25 माइनस x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 25 ये हो जाएगा आपका 625 प्लस में x का स्क्वायर माइनस 50, x के स्क्वायर कैंसिल करो ये आ जाएगा 50x बराबर 625 माइनस 25 दैट इज 600, x की वैल्यू क्या होगी 0 0 कैंसिल 12 आ गया, x जब 12 आ जाएगा तुम्हारा तो 12 प्लस y 25, तो y आ जाएगा 25 माइनस 12 सो y इक्वल टू 13, x y सारी वैल्यू निकल गई। अब आपको फाइंड करना है sin p, sin p की वैल्यू क्या होगी तो p by h, p आपका qr है, qr upon pr 12/13, cos होता है b by h, तो b by h तो cos क्या है p, तो cos p b by, तो b हो जाएगा pq, h हो जाएगा pr, तो p 5/13, tan p क्या होता है p by b, p इसकी वैल्यू क्या होगी qr और b हो जाएगा pq, यानी 12/5 इज राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का, इसमें 10th क्लास से लेवल की हमने सारी जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह के ये जो क्वेश्चन का बेस है, इसी बेस के क्वेश्चन पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आपके एसएससी वगैरह के अंदर, रेलवेज के अंदर, आर्मी टेक्निकल के अंदर, आर्मी जीडी के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के पूछे जा सकते हैं।
तो इसको आप अच्छी तरह से देखो, अगर कोई इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोस है लगातार हम बना रहे हैं, ये आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और आप इसको अच्छी तरह से इसका फायदा उठाए। इसके बाद हम निकालेंगे जो अभी 8.1 का निकाला, 10th की सीरीज होगी जिसके अंदर 10.2, 10.3 के सारे क्वेश्चन हम आगे कराएंगे। थैंक यू।